चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो जो है तराई तराई कर गया ना, हमें पेमेंट मिलता, एक साल हो गया हमारे गन्ने को। पहले जीएसटी लिया ही, फिर अग्निवीर वाला लिया ही, जो एजाकत है। बताओ क्या होगा इनका? सरकार कुछ नहीं सोच रही किसानों के बारे में, किसानों का तो नाश ही करना चाह रही बिल्कुल। में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में कलेक्ट्रेट पर खड़े हैं, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा चक्का जाम करने का आह्वान था और यहां पर सभी किसान जुटे हैं और हमारे पीछे कुछ किसान हैं, किसान भाई हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ को लेकर ये संघर्ष चल रहा है, किस चीज़ को लेकर ये बातें चल रही है। जी आपका नाम? मेरा नाम नीचे से बैठ जाओ चाहे। मेरा नाम बिरमपाल नाला, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शामली। बताइए क्या भाई, सरकार और प्रशासन जो है वो अधर्मिता पाया हुआ है। किसानों का जो है बिजली विभाग अपने स्तर तक शोषण कर रहा, हर विभाग जो है किसान को लूट मचा रखी, चाहे पटवारी हो, चाहे कानूगो हो, तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, सब जो है लूट कर रहे, चाहे कोई सरकारी अस्पताल का हो, बेलगाम हो गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया अगर जिसकी कुछ हद नहीं है। और किसान तो जो है तराई तराई कर गया ना, हमें पेमेंट मिलता, एक साल हो गया हमारे गन्ने को, हमने एक साल हो गया, अगला सीजन आ गया, हमारे बच्चे जो है फीस के बिना तरस रहे, हमारी औरतें जो है वो मतलब घर के सामान के लिए तरस रही, खाने पीने की भी हमें समस्या होगी। सरकार जो है अभी भी सरकार के कानून पर जो नहीं देख रही की स्थिति, तो आप देख रहे जो किसान की स्थिति ठीक होती तो यहाँ रोड पर थोड़ा ही बैठते, नौ दिन से यहाँ पड़े, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, जिस दिन हम कह दें उस दिन यहाँ फॉगिंग करवा दें, नहीं तो किसान पड़ा बेहाल। तो शासन प्रशासन बेलगाम हो चुका है, इनके लगाम रही नहीं, बिल्कुल निरंकुश प्रशासन है। किसान आत्महत्या पर मजबूर है, खूब किसान आत्महत्या भी करे। आज कोई मील वाला आपने देखा मरता हुआ? किसी मील वाले का बच्चा पूरे भारत में आप भी रिपोर्टिंग करो, हमें दिखा दो कोई हो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो हमारे की तरह, और जी माल दे दिया, पैसे देने का उनका हक नहीं है क्या? आप बताओ आगे का क्या रास्ता आपको मिलेगा? हम तो अहिंसात्मक धरना जारी रखेंगे जब तक इस मांग का सलूशन नहीं निकलने का। लगातार किसान बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बात के, एक जगह बैठ कर टिकट साहब की नीतियों पर चलने का काम करेगा। सौरभ भाई क्या लग रहा है, किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, क्या स्थिति क्या है किसान भाई? या सरकार कुछ नहीं सोच रही किसानों के बारे में, किसानों का तो नाश ही करना चाह रही बिल्कुल, या किसानों के खूब खिलाफ में है सरकार, किसान इसने बिल्कुल बैठा दिए, किसान ने कहीं का भी छोड़ दिया बिल्कुल भी। आपका क्या समस्या आ रही है किसान भाई? समस्या तो बथेरी है, आप भी देख रहे, बाकी सरकार को जो है अच्छे काम करने के नाम की सरकार बनाई थी, पर ना काम नहीं करे, ना देश को बनाने की वजह मिटाने का काम कर दिया, जिससे बहुत सी पहले जीएसटी लिया ही, फिर अग्निवीर वाला लिया ही, जो एजाकत है। बताओ क्या होगा इनका जाकतों का? ये 4 साल कर दिए, 10-20 साल कर लिए अगर थे, इन्होंने ऐसे भी नहीं छोड़े। उसके बाद में शामली जिले में इतना भूडा आतंक तैर रहा, क्या सरकार ने किसानों का पेमेंट, इतना पेमेंट रोक के बैठी, बताओ सरकार के हाथ में नहीं के? जब किसानों ने गांडा मिल में घेर दिया तो उसका पेमेंट नहीं चाहता किसानों को, 600 करोड़ रुपए रोक के बैठे किसानों का, क्या होगा किसानों का? बनिया की दुकान पे किसान दवा लेने जा, पहले पैसे दे बाद में दवा ले, ट्रैक्टर बुआन के नाम का खेत में लेकर जाएगा, पंपे पे पहले तेल भरवा होगा, जिप खेत में लेकर जाएगा बुआन के नाम का। समस्याएं पैदा हो रही है, समस्या तो आप भी देख रहे, बाकी सारे किसान भाई है इन्हें पता, आपको भी पता, सरकार ने बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया, या सरकार तो पूंजीपतियों की है। क्या नाम भाई साहब? बूटा चौधरी नाम है भाई साहब। चौधरी साहब ये बताओ किसान क्या स्थिति में है? किसान की स्थिति बहुत खराब है, किसान बर्बादी की तगार पर रहा। आगे का क्या रास्ता नजर आ रहा? आगे का क्या रास्ता होता भाई? पेमिट दे दो, 12 के मीटर हटवा दो, ये है किसानों की 5-4 समस्याएं, न हल कर दो, वरना मैं क्या वो है आवश्यकता यहाँ आने की।
चक्का जाम है भाई पेमिट के मुद्दे पे। हमारे जिले की 3 चीनी मिल है, एक का भी पेमिट पूरा नहीं है, संपूर्ण नहीं हुआ, चक्का जाम किया गया है। इससे क्या मैसेज जाएगा? इससे मैसेज आएगा कि सरकार अगर हमारा पेमिट नहीं करेगी तो आगे भी ऐसे ही धरना बरकरार चलेगा। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में थे, जहां पर हमने किसानों से और नौजवानों से बात की और जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों का जो संघर्ष बढ़ रहा है, जो आंदोलन बढ़ रहा है, वो उसको कैसे देख रहे हैं और कैसे किसान इसमें जुड़ रहा है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।